वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। आज से उनके दौरे की शुरुआत हुई और यहाँ पर वो एक हाई लेवल सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए आ रहे हैं। अगर ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर एम्स का इफ्तिताह करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर वो मेट्रो स्टेशन श्रीनगर का मेट्रो स्टेशन उसका भी इफ्तिताह करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये जो दौरा उनका है इस वक्त यहाँ पर, ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पहला दौरा है और उसके साथ साथ जो यहाँ पर जो सिविलियन किलिंग्स हुई है पिछले 10-15 दिनों में, लगभग 11 के करीब जो सिविलियन किलिंग्स हुई है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिनेरियो जो यहाँ का बिगड़ा हुआ है, उसके बाद उनका ये पहला दौरा है जिसकी वजह से इस दौरे को काफ़ी माने खेज माना जाता है। अगर आपको हम बता दें उसके दौरे की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर वो जो इस वक्त जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, जो पूरे कश्मीर का जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, खुसूसा श्रीनगर का, जहाँ पर उनकी जो हाई लेवल मीटिंग्स होंगी, काफ़ी बढ़ा दिया गया, काफ़ी चौकसी बढ़ा दी गई है। हर जगह पर नाके लगे हुए हैं, हर जगह पर चेक पोस्ट कायम कर दिए गए हैं, हर जगह पर डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज की देख सकते हैं। ये सारी इसलिए डिप्लॉयमेंट लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर जो पिछले 15 दिन से जो खर्चात हो चुके हैं सिक्योरिटी के, मिलिटेंसी के जो वाकयात बढ़ चुके हैं, अगले दिन जो बरादरी के जो लोग हैं उन पे जो अटैक्स हो चुके या फिर जो नॉन लोकल्स जो यहाँ पर फिर उसके अटैक्स के बाद भाग चुके, उसके बाद ये चौकसी बढ़ा दी गई क्योंकि अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, वजीर दाखिला यहाँ आ रहे हैं और वो इस पूरी सिक्योरिटी का जायज़ा ले रहे हैं। आपको हम ये भी बताते चलें कि जो यहाँ पर पिछले 3-4 दिन से जो सिक्योरिटी ड्रिल रहती है किसी भी हाई प्रोफाइल विजिट से पहले, वो काफ़ी इस वक्त जो डिफरेंट थी और मुख्तलिफ थी बाकी तरह की जो यहाँ पर जो हाई प्रोफाइल विजिट्स कश्मीर में होते हैं। आपको हम बता दें कि जो यहाँ पर 2-व्हीलर्स या मोटरसाइकिल्स होते हैं उनको सीज़ कर दिया गया, जब्त कर दिया गया पुलिस के द्वारा। इसके साथ साथ बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पर इंटरनेट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ की किलिंग हो गई या फिर जहाँ पर मिलिटेंसी के रिलेटेड कुछ खदशात यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को नज़र आ रहे थे। इसके साथ साथ अगर हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया है, इस सिक्योरिटी ड्रिल के होते हुए ये जो सिक्योरिटी जो इकदाम उठाए गए उनके होते हुए यहाँ पर काफ़ी तरह से सियासी जमातों से तनकीद का निशाना भी बन चुकी है। हर तरह की सियासी जमात, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या PDP हो, ये बता रहे हैं कि अब इस वक्त जो ये सिक्योरिटी जो इकदाम उठाए जा रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं ये जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया भूल चुकी है एक आम आदमी और मिलिटेंट के दरमियान फ़र्क करने में। नाज़रीन, ये तफसीलात हमारे पास अभी तक जो है जो वज़ीरी दाखिला है जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है इस वक्त, इसके बारे में जो हमारे पास अभी तक जो तफसीलात आई हुई है वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। मज़ीद तफसीलात जो ही हमारे पास आते हैं हम आपके पास फिर एक बार हाजिर हो जाएंगे। आसिम मोहिद्दीन, खबर उर्दू के लिए।